सबसे पहले आंध्र प्रदेश के एग्जिट पोल इस वक्त सामने है और इंडिया टीवी के सर्वे में एनडीए को बढ़त दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 31 सीटों का अनुमान रखा गया है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने है और यहां पर बढ़त दिखाई गई है। एनडीए को बड़ी जीत के साथ 21 सीटों का अनुमान आंध्र में एनडीए को। जल्दी से अजय जी, आपकी एक प्रतिक्रिया इस पहले एग्जिट पोल पर आंध्र प्रदेश को लेकर। देखिए, आंध्र प्रदेश जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का महाना अपने आप में बहुत मायने रखता है। देखिए, अब ये इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता और ना ही मुझे करने का कोई औचित्य है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अलायंस के साथ यानी कि एनडीए का परफॉर्मेंस आंध्र प्रदेश में पिछले बार के मुकाबले कहीं बेहतर होने वाला है। और ये सिर्फ इसलिए कि जोड़ गुना नहीं है यहां पर कि आपने दोनों के वोट शेयर मिला दिए। जो वहां पर जगन रेड्डी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है और इस बार के चुनाव में जो प्रमुखता है, ये चुनाव 2014 नहीं है, ये चुनाव 2019 नहीं है। स्थानीय मुद्दे बहुत मायने रख रहे हैं इस बार और स्थानीय मुद्दे यहां इसलिए मायने रख रहे हैं क्योंकि जगन रेड्डी ने 22 सांसदों के साथ भी, अगर आप आंध्र प्रदेश की बात देखें तो क्या मिला, आज तक आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी तक नहीं मिली है। 5 साल उनकी सरकार पूरी हो गई। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी राज्य की और क्या हो सकती है कि अब इसी महीने में आंध्र प्रदेश को अब हैदराबाद खाली करना है। कहां ले जाएंगे वो अपनी राजधानी? जून का महीना आखिरी महीना है। इसलिए अगर आप देखें तो सांसदों के आधार पर लोकसभा में जो स्ट्रेंथ थी उसको जगन रेड्डी इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि टीडीपी और बीजेपी की वहां अच्छी बढ़त होगी। कितनी होगी 4 तारीख से पहले आकलन ही। आदिति, जल्दी से आप क्विक रिएक्शन, क्योंकि जो वाईएसआरसीपी है, 4 सीटें 2019 में 22 सीटें थी। अगर मैं सबसे पहले इस रुझान की तरफ जाऊं, इस एग्जिट पोल के साथ जाऊं, 4 सीटें वाईएसआरसीपी को ऐसा क्या कर दिया कि इतना डिक्लाइन इसमें? देखिए, वजह तो अजय सर ने बताई, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी चेहरे पर मुस्कुराहट होगी उनके, क्योंकि अभी मैं वाराणसी थी काफ़ी देर, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े या वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट, पार्टी के बड़े नेता, उनसे चर्चा ऑफ रिकॉर्ड हो रही थी। तो जो पहला नाम उन्होंने कहा कि हम बेहतर करेंगे, वो आंध्रा था। और शायद लगभग जो दिखा रहे हैं उसी के आसपास के आंकड़े भी उन्होंने कहा थे कि ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये जो एग्जिट पोल में जो भी होगा, लेकिन इस तरह की चीज स्थिति को भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जैसे उनको लगता है बिहार या राजस्थान में हम शायद ठीक ठाक ना कर पाए, कुछ लूज करें, लेकिन आंध्रा, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां पर हम अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और जो 21 सीटें बताई जा रही हैं उसमें सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने बार बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, जमीन तक लेकर गए हैं वाईएसआर को लेकर, उसके साथ साथ पॉलिसी में जो डिफंक्शनिंग है उसके मुद्दे को उठाया है। और देखिए, वहां कांग्रेस तो है ही नहीं आंध्रा में, तो भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी मिलकर, और टीडीपी से ज्यादा उम्मीद वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जमीन पर थी, क्योंकि जब मैं आंध्रा गई तो वहां पर इस तरह की चीजें निकल।